बिहार की मिट्टी की राजनीति बड़ी ही लचीली है। कौन कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं होता। बिहार के भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तेवर के साथ महागठबंधन में सरकार बनाई, शायद अब वो अपनी इस गलती को समझ चुके हैं, क्योंकि जिस पार्टी के साथ गठबंधन में बिहार चलाने का दावा वो ठोक रहे थे, उस पार्टी के नेता नीतीश कुमार को घेरने से पीछे नहीं हट रहे। और इन्हीं सब स्थितियों को देख कर यही लग रहा है कि पलटू राम फिर पलट सकते हैं। आपको बता दें, बिहार में आरजेडी और जेडीयू में खटपट जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चेतावनी के बावजूद आरजेडी के विधायक और नेता सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं कतरा रहे। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम की यात्रा में आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इससे पहले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और विजय मंडल भी नीतीश पर हमला बोल चुके हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। जिले के अधिकारी कुछ चिन्हित स्थानों को दिखाते हैं जो पहले से तय होते हैं। ये चुनाव का वर्ष है, जनता की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। सरकारी दफ्तरों में लोगों का काम कैसे आसानी से हो ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अधिकारियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। शिवानंद ने कहा कि उन्होंने जीवन भर लालू नीतीश और रामविलास के साथ कंधे से कंधा मिलाया है, ठैया लगाया है। ऐसे में उनके राजनैतिक और नैतिक फर्ज को निभाने का उन्हें अधिकार है और गलत को गलत बोलने का भी अधिकार है। बिहार गांधी, जेपी और लोहिया की भूमि है। ये भाजपाइयों के हाथों में चला जाए ये वो संभव नहीं होने देंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले शिवानंद आरजेडी के तीसरे नेता हैं। सुधाकर सिंह के विवाद को गहराते देख डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के बड़बोले नेताओं को चेतावनी दी थी। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं, उनके खिलाफ कोई भी बयान देने का अधिकार आरजेडी के सिर्फ लालू प्रसाद यादव और खुद उन्हें है। इसके अलावा कोई भी नीतीश के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकता। उन्होंने सुधाकर सिंह को भी चुप रहने और साथ ही कार्रवाई झेलने की चेतावनी दी थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सहयोगी आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने भी नीतीश कुमार की आलोचना की है। दो दिन पहले उनका एक वीडियो राजनीतिक हलके में चर्चा का विषय बन गया था। इसमें वो विधानसभा परिसर के अंदर पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा से बातचीत में नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि सीएम की यात्रा में कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे, सरकार निरंकुश हो गई है। तो बात कुछ ऐसी है कि बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और महागठबंधन में तकरार जारी है। और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिहार की ये ओछी राजनीति किस हद तक जाती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।